long time, and Chandrayaan will put it right in the center of it. दोस्तों, दुनिया में सभी देश अपना अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और इस रिकॉर्ड को बनाने में रूस सबसे आगे रहता है। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि भारत ने जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और जो भारत रिकॉर्ड बना था चांद की सतह पर साउथ पोल पे सबसे पहले उतरने का, वो अब भारत नहीं बना पाएगा। सारा डिटेल जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल भी होने वाला है। साथ में दोस्तों आप अपने एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना। Chandrayaan 3 mission aims to touch down on the moon's largely unexplored south. Mission controlled with a euphoric team as Chandrayaan 3 touches down on the moon. दोस्तों, चंद्रयान 3 को 13 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में पहुंच गया, जिसकी तस्वीर भी उसने खींचकर भेजी थी। वहीं दोस्तों, हम चंद्रयान 3 के चांद पर लैंडिंग की बात करें तो 23 अगस्त को 5:47 में चंद्रयान 3 चांद की साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा और फिर चांद की सतह पर 14 दिनों तक रहेगा, जिसके माध्यम से इसरो अपना रिसर्च करेगी। दोस्तों, इन सारी कामों में सभी कामें होंगी, लेकिन चांद की सतह पर सबसे पहले उतरने का जो रिकॉर्ड भारत बना था वो अब भारत नहीं बना पाएगा क्योंकि रूस अपनी लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च करेगी, जो कि सिर्फ 5 दिन में ही चांद की सतह पर यानी कि चांद के साउथ पोल पे लॉन्च कर जाएगा। दोस्तों, लूना 25 को 5 दिन ही क्यों लगेंगे? इसका सीधा सीधा कारण है दोस्तों कि लूना 25 का इंजन चंद्रयान 3 से काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण लूना 25 को चांद की सतह पर उतरने में सिर्फ 5 दिनों का ही समय लगेगा। और दोस्तों, कुछ इस तरह चांद की सतह पर यानी कि चांद के साउथ पोल पे सबसे पहले उतरने का रिकॉर्ड भारत का नहीं बल्कि रूस का हो जाएगा। Many lunar missions have failed from global space agency. दोस्तों, अगर हम लूना 25 से कंपेयर करें तो चंद्रयान 3 जहां सिर्फ 14 दिनों तक चांद की सतह पर रहेगा, वहीं लूना 25 पूरे एक वर्ष तक चांद की सतह पर रहेगा। वहीं दोस्तों, जहां इसरो का चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सिर्फ पानी का पता लगाएगा, वहीं लूना 25 जो रूस ने भेजा है चांद पे, वो चांद की सतह को ड्रिल कर यानी कि खोद कर भी पानी का पता लगाएगा। तो जरा सोचिए दोस्तों कि रूस हमसे टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। दोस्तों, लूना 25 को रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस 11 अगस्त को लॉन्च करेगी और 16 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर लॉन्च कर जाएगा। और हाँ दोस्तों, चांद की सतह यानी कि चांद के साउथ पोल पे लूना 25 लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, इस न्यूज को सुनकर आपको कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों किस टॉपिक पर हो ये भी हमें कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।